और यहाँ प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है और यहाँ के जो जीएसआई की इसका जो जीएसआई से हाँ उसके जो कर्ता धर्ता थे, इसके जो पदाधिकारी थे, वहाँ होर्डिंग में कहीं मेरा नाम नहीं लिया गया, प्रचार में कहीं ये केवल कार्ड के अलावे कहीं भी मेरा नाम नहीं दिया गया। ये घोर आपत्तिजनक बात है, क्योंकि लोकल में विधायक हूँ और हमारे लोगों ने इस जमीन ये हॉस्पिटल को जमीन देकर इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवाने का काम किया। तो और दूसरी बात है कि प्रधान सचिव से ऊपर माननीय केवल विधायक को, सांसद को और न्यायाधीश को केवल लगता है, इसके अलावा किसी को माननीय नहीं। राज्यपाल और राष्ट्रपति को तो लगता ही लगता है, लेकिन प्रधान सचिव को माननीय नहीं कोई कर सकता है, चाहे जो भी हो। और इस राज्य में यही सबसे बड़ी ब्यूरोक्रेसी का राज है, ब्यूरोक्रेट मुख्यमंत्री हैं और ब्यूरोक्रेसी का राज है। इस राज्य में जो आदमी आरसीपी टैक्स देगा वो सबसे बड़ा आदमी होगा, तो यहाँ के ब्यूरोक्रेट आरसीपी टैक्स दे रहे हैं, इसलिए उनकी बात केवल सुनी जाती है। लेकिन गंगोत्री जी ने कहा है कि मैं भी 15 साल विधायक था, ये तो कॉल नहीं होता। इनको उनका झूठ बेबुनियाद है, मैंने अपने आंखों से देखा है कि कई बार पेपर में नाम छपा, ये लोग जाते नहीं थे। हम तो कम से कम साहस करते हैं कि इस कार्यक्रम जो कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में है, तो मैं साहस करके आया कि नहीं मेरा यह कार्यक्रम। हर जगह आपको किया जाता है, जलील किया जाता है। जलील हमें कोई नहीं कर सकता है, माननीयों का मामला है, पूरे बिहार के देश के माननीयों का मामला हमने उठाया है, कोई भाई वीरेंद्र का मामला नहीं था। ये माननीयों का अपमान करने का, मैंने सुशील कुमार मोदी जी को, जो बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनको मैंने कहा कि ये माननीयों को अपमानित करने का मामला, ये कभी आप भी अपमानित हो सकते हैं, इसलिए से उन्होंने जवाब भी दिया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने स्वीकार किया। एक चीज है विधायक जी, क्या लगता है ये कार्यक्रम एक पार्टिसिपेंट का ही कार्यक्रम था? नहीं, लगता है कि एनडीए का कार्यक्रम है, जबकि एनडीए का कार्यक्रम नहीं है, था ये सरकारी कार्यक्रम, एनडीए का नहीं होता है, देश हित में सरकारी कार्यक्रम होता है, पार्टी हित का नहीं। यहाँ देखा है कि एनडीए के लोग ही ज्यादा सक्रिय थे, फोटो खिंचवाने में और खाने पीने वाला में भी वही लोग गए हैं।